नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। माना कि शतरंज की बिसात पर सिर्फ मोहरे ही नहीं, खाने भी सफेद और काले होते हैं। सीधा और टेढ़ा ही नहीं, ढाई चाल चलने वाले भी होते हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी को सिर्फ शय और मात की नजर से देखते हैं, वो ऐसा डरावना खेल खेलते हैं कि मौत जिंदगी से ज्यादा सही लगने लगती है। मालूम ही नहीं चला जी कौन थे, और बाइक पे नंबर प्लेट भी नहीं थी। कितने बंदे थे? दो बंदे थे जी, दोनों ने हेलमेट पहन रखी थी, गोली पीछे वाले नहीं चलाई थी। बाल बाल बची मेरी बीवी। ये सीसीटीवी वर्किंग है? हाँ जी। तीन बजकर 13 मिनट पे ये लोग यहाँ आए। चौहान सर, इस पेट्रोल पंप से दोनों डायरेक्शंस में जिस जिस सिग्नल पे भी सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलवाओ। ये इमेज आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाओ। और ये यहाँ फायर हुआ था, एम्प्टी शेल भी यहीं आसपास होंगे, ध्यान से ढूंढो जरा। सर प्रहलाद जी, आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी, कोई ऐसा जो आपको मारना या मरवाना चाहता हो? जरूर सतिंदर अरोड़ा होगा। सतिंदर कौन? वो सुभाष नगर पेट्रोल पंप वाला? और कौन सा पेट्रोल पंप बचा है उसका? मैंने विजिलेंस में रिपोर्ट लिखाई थी उसकी। ओए हाँ बाबा जी बोलो, कितना डालना है? डाल भाई पेट्रोल डाल। कितना डालना है? 10 लीटर डाल। और रुको इसमें डाल। इसमें क्यों? ओए ज्यादा सवाल ना कर, डाल इसमें। ओए 10 लीटर बोला तूने, 8 लीटर दिया। धांधली करते हो, बुला अपने मालिक को। क्या बात है भैया, क्या ड्रामा हो रहा है? क्यों पापा जी, तुसी इत्थे थानेदारी करने आए हो? हाँ तो और की गंदे चुपने आया, चोर कहीं का? देखो माता जी, ज्यादा चोर चोर मत बोलो, अगर मेरा माथा घूम गया ना तो अच्छी बात होगी, समझे? हाथ अकड़ रहा था वो, 2 दिन में उसके पेट्रोल पंप पे ताला लगवा दिया, हो सकता है उसे ना खुंदक निकाली। पापा जी क्यों है, सब ठीक है? ठीक हो बीजी, तुसी ठीक हो? हाँ पुत्र, जाको राके साईया मार सके ना कोई। इंस्पेक्टर साहब, किसने हमला करवाया मेरे पेरेंट्स पे? आपने पता किया किसने करवाया इन पे हमला? हम पता कर रहे हैं। प्रहलाद जी, आपको कोई भी फोन आए या कोई धमकी दे तो हमें जरूर बताइएगा, हो सकता है इस केस में हमें मदद मिले। जी .32 रिवॉल्वर के शेल है सर जी, और ये सतेंद्र अरोड़ा के पास रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस तो होगा ही। हो सकता है सतेंद्र ने अपनी रिवॉल्वर इस्तेमाल ना की हो, शूटर हायर किया हो। ये सतेंद्र अरोड़ा के पिछले दिनों की एक्टिविटीज चेक करो, उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, अगर कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो फिर एविडेंस के साथ ही उससे मिलेंगे। हाँ जी, फोन टाइम मिले आपको फोन करने का? हाँ अब बोलोगे भूल गया। आप ये तो नहीं बोले ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अकेली गई थी डॉक्टर के पास? ओहो बोले ही चले जाती है, सुनता ले। तेनू पता भी है क्यों होया है? क्या हुआ है? उस सतेंद्र अरोड़ा ने मम्मी जी पे गोली चलवा दी है। क्या मम्मी जी ठीक तो है ना? ओ मम्मी जी ठीक है, निशाना चुक गया है। तू एक काम कर, तू घर जा, ठीक है? आप कब आओगे? थोड़ा टाइम लगेगा, वो 10 बजे तक मीटिंग है और फिर उसके बाद थाने भी जाना है, और सतेंद्र अरोड़ा नू हथकड़ी भी लगवानी है ना। हो जी ठीक है, अपना ख्याल रखना। चल ठीक है, ध्यान रखी। रुक 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 जग्गी, गाड़ी रुक। मंजीत क्या कर रहा है तू यहाँ, और ये कौन है? फ्रेंड है मेरी मम्मी जी। हाँ और तू कौन है? उम्र देखी है अपनी? हाँ मेरे मुंडे को फांस रही है, कौन है तू? जी मैं वो इसके कॉलेज में लेक्चरर हूँ। और ये बाइक कहाँ से आई, कहाँ से आई बाइक? ये बाइक पापा जी ने लेके दिए मम्मी जी।
इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे पूछे बिना तनु बाइक दिलाए। बोल कहाँ से आई? पापा जी ने दिलवाई है मम्मी जी। अच्छा, उन्हें दिलवानी पड़ी। क्यों दिलवानी पड़ी बाइक? अरे बोल। जी तो कर रहा है बत्तीसी निकाल लूं सतेंद्र अरोड़ा की, पेट्रोल पंप पर गोलियां चलवाई। मैं तो कहती हूँ थोड़े दिन तक पेट्रोल पंप ना ही जाओ, कहीं उसने फिर से गोली चला दी तो। अरे उससे डर के अपने काम धंधे थोड़ी ना बंद कर लेने, क्या समझता हो अपने आप को? अरे काम तो लवलीन का भाई हरजीत संभाल ही रहा है ना। पापा जी, मम्मी जी, मैं आपके पुत्र के साथ नहीं रह सकती, इसे घर से बाहर निकालो बस। छोड़ ही हो या पुत्र, इतना गर्म क्यों हो रही है? मम्मी जी, पापा जी, अपना वो द्वारका वाला फ्लैट है ना, उसमें ये आपका बेटा उस मैनेजर रूबी के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो मैनेजर रूबी किसी काम की नहीं है, उसे तो इसने उसका मुंह चाटने के लिए रखा था। ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे ही ब्लैकमेल कर रहा था। देखिए लवलीन, मैनू माफ कर दे। माफ कर दू? हाँ चुप रहो, तुसी पकड़ते रहो। पापा जी, मम्मी जी, बस मैं इनके साथ नहीं रह सकती, आप इसे घर से बाहर निकाल दो बस। ना पुत्र, ना पुत्र, तू पेट से है, इतना गुस्सा नहीं करते, ठंड रख पुत्र। की शांति रखो मम्मी जी। हाँ, जिसका बाप इतना नलायक हो उसके बच्चे को इस दुनिया में लाके करना की है? हाँ सर जी, सत्येंद्र अरोड़ा के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है, और जिस गन का लाइसेंस उसके पास है वो एम्प्टी शेल्स उससे मैच नहीं करते, लेकिन हमने फील्डिंग लगा दी सर जी, शायद कोई लीड मिले। ये प्रहलाद और जसवंत की शिकायत पे सिर्फ सत्येंद्र अरोड़ा ही नहीं बल्कि सचिन, जुनेजा और कोहली के भी पेट्रोल पंप पे छापे पड़े थे। हो सकता है इन दोनों ने ही कोई खुंदक निकाली हो। इन दोनों पे नजर रखो। उन शूटर्स की कोई पहचान हुई? सर जी, खबरियों को फोटो दिखाया है, किसी ने पहचाना तो नहीं लेकिन पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजी, चाय लीजिए। कुलविंदर, पुत्र अब गुस्सा थूक दे, तू भी थोड़ा सा खेल ले, मूड ठीक हो जाएगा। क्या बीजी मूड ठीक हो जाएगा, रह रहकर मुझे वो रूबी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कमी नहीं हंस रही है मुझ पर। ओए झाड़ू मारना हो चुड़ैल को, निकाल दिया था ना उसे फ्लैट से, उसे भूल जाओ और खेल हमारे साथ। चल पत्ते बांट। मैं देखती हूँ बीजी, मैं देखती हूँ। बाजवा परिवार के पेट्रोल पंप पर हुए नाकाम हमले के बाद दूसरा हमला दिन दहाड़े बाजवा परिवार के घर में घुसकर किया गया। प्रहलाद बाजवा की पत्नी जसवंत और बहू लवलीन के साथ उनकी पड़ोसी कुलजीत कौर को भी बड़ी निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। क्या इन दोनों हमलों की साजिश रचने वाला कोई एक ही था, या फिर पहले हमले की आड़ में दूसरे की साजिश रची गई थी? सर जी, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं, जिसने भी मेरी कुलजीत को मारा है उसका झगड़ा जरूर भाजपा फैमिली से ही होगा, मारने आया उनको और मेरी कुलजीत। सर जी, ये सब उसी सत्येंद्र अरोड़ा का किया हुआ है। उसने पहले पेट्रोल पंप पर गोली चलवाई, उस समय मेरी जसवंत बाल बाल बच गई थी, लेकिन इस बारी तो उसने खत्म कर दिया जसवंत को। जिस समय यह हादसा हुआ आप सब लोग कहां थे? मैं पेट्रोल पंप पे था जी। और मैं कॉलेज में था सर। जी, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे था। आप लोगों के अलावा और घर में किसका आना जाना है, मेरा मतलब कोई सर्वेंट वगैरह? दो हैं जी, एक तो 2 बजे जाती है तो दूजी वाली 3 बजे। और आप लोगों को खबर लगी 5:30 बजे? सिंह, काम करने वाली दोनों भाइयों और आस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने हमला करने वाले को देखा हो। जी सर। सर जी, खबरियों की इन्फॉर्मेशन पर जिन शूटर्स को उठाया था उनमें से किसी ने भी पेट्रोल पंप पे अटैक करना नहीं कबूला, शायद असली शूटर्स बाहर थे इसलिए दोबारा अटैक हुआ। जसवंत ने सतेंद्र को थप्पड़ मार के बेइज्जत किया। खबरदार हाथ लगाए तो खाल खींच लूंगी। तो सर, हो सकता है कि शायद पहले जसवंत उनका टारगेट थी और अभी जसवंत ही उनका टारगेट होगी। लवलीन और कुलजीत इसलिए मारे गए क्योंकि वो दोनों उसके साथ थे। ये सतेंद्र अरोड़ा से अब मिलना ही पड़ेगा।
सर सरदार जी का कईयों से पंगा था। पेट्रोल की धांधली के चक्कर में उन्होंने सबके खिलाफ रिपोर्ट की भी थी। क्या पता सर किसका माथा सनक गया हो। ये सनक तो तुम्हें भी चढ़ सकती है। पेट्रोल पंप के छापे के बाद तुम्हारे गाल पे पड़ा छापा भूल थोड़ी पाए होंगे तुम, जब प्रहलाद सिंह की बीवी ने तुम्हें जड़ा था। जब उन पर अटैक हुआ तो मैं चंडीगढ़ में था, कोर्ट में हाजिरी थी मेरी सर। कोर्ट में हाजिरी दे रहे थे तो फिर बाजवा परिवार की औरतों पर हमला करने के लिए किसको भेजा था। मैंने किसी को नहीं भेजा सर, मारने मूरने का भूता नहीं है मुझ में। सतेंद्र अरोड़ा के साथ साथ दूसरे पेट्रोल पंप मालिक सचिन जुनेजा और आकाश कोहली भी पुलिस की रडार में थे, और पुलिस इन्फॉर्मर्स के जरिए पहले हमले के शूटर की पहचान पता करने की कोशिश भी जारी थी। तभी बाजवा परिवार के सर्वेंट्स और पड़ोसियों के बयान के आधार पर हमले के नए समीकरण जोड़े गए। सर एक बात पता चली है, परसों लवलीन का अपने बेटे मंजीत के साथ झगड़ा हुआ था। लवलीन का मंजीत के साथ झगड़ा, किस बात को लेकर? सर किसी लड़की वड़की का चक्कर था। हत्या के एक रात पहले भी काफी शोर शराबे की आवाज सुनी पड़ोसियों ने। सर जी बाजवा परिवार की कामवालियों से बात हुई, कल सुबह 9 बजे घर के सभी मर्द घर से बाहर निकल गए थे। सुरेंद्र अपने फादर प्रहलाद जी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालता है, वो ऑफिस में था। मंजीत अपने कॉलेज में और प्रहलाद जी पेट्रोल पंप पर, और 12 बजे लवलीन संजीत का खाना लेकर उससे मिलने जेल गई थी। लेकिन संजीत को जेल तो लवलीन ने ही करवाई थी ना? जी सर, उसे ड्रग्स की लत थी और उसने घर में चोरी भी की थी, इसलिए लवलीन ने उसे जेल करवा दी थी। सर जी कामवाली ने बताया कि लवलीन को लगता था कि अगर संजीत घर में रहेगा तो उसकी ड्रग्स की लत छूट नहीं पाएगी, चाहे जेल में रहने से ड्रग्स के बिना उसकी लत छूट जाए। वो रोजाना उससे मिलने जेल जाती थी, और कल 2 बजे जब वो जेल से वापस आई तब पहली कामवाली निकल चुकी थी, और दूसरी 3 बजे जब घर से निकली तब घर में लवलीन और उसके साथ जसवंत थी, और पड़ोसन कुलजीत अपने घर से 4 बजे जसवंत के घर गई। मतलब अटैक 4 बजे के बाद हुआ जब तीनों औरतें एक साथ थी। लेकिन सर जी जसवंत रोज 4 बजे जनकपुरी में फिजियो सेशन के लिए जाती थी, लेकिन कल उनके फिजियो ने 3 बजे उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था। डेली रूटीन के हिसाब से लवलीन 4 बजे के बाद घर पे अकेली होती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारे के टारगेट पे सिर्फ लवलीन ही थी और कुलजीत और जसवंत हत्यारे का टारगेट बन गई हूँ। सिंह भले ही पहला अटैक पेट्रोल पंप पर हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि दोनों अटैक करने वाले अलग हों और उनका मारने का मकसद भी अलग हो। लेकिन सर जी अगर दूसरा अटैक लवलीन को मारने के लिए हुआ तो वो किसके टारगेट पे होगी? मम्मी जी ने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड त्रिखा के साथ देख लिया था, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा थी। मम्मी जी को बहुत गुस्सा आता था और जब आता तो फिर कंट्रोल नहीं होता। कल तुम घर से कॉलेज के लिए निकले थे लेकिन कॉलेज पहुंचे नहीं, क्यों? जी मैं त्रिखा के साथ था। घर पे जब हमला हुआ तब तुम कहाँ थे? जी मैं त्रिखा के साथ ही था, पिक्चर देखने गए थे हम दोनों। ठीक है जा सकते हो। ये मंजीत की स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो, उस फिजियो से भी मिलो। 3 बजे अचानक जसवंत के अपॉइंटमेंट कैंसिल करना कहीं किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं है? जी सर। जी सर उस दिन इक्विपमेंट में कुछ खराबी आ गई थी, जसवंत जी का ही नहीं, मैंने 3 बजे के बाद सारे लोगों का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था। अच्छा ये जसवंत जी आपसे रोज फिजियो सेशन लेते थे? रोज नहीं सर, मंडे टू फ्राइडे रोज 1 घंटा। बातचीत में जसवंत जी ने कभी कोई खास बात बताई आपको, जैसे घर की कोई टेंशन या स्ट्रेस? नहीं सर। पापा जी आपने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो बस। रहने दे, तू बस अपना और अपने बेटे का पेट भर, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, खूब ऐश करो तुम दोनों, और मुझसे भी कोई प्रॉब्लम है तो पेट्रोल डालकर फूंक दो मुझको। पापा जी ऐसा ना कहो। चुप कर, तू जाकर उस रूबी के बाल सहला, और मंजीत तू पढ़ा जाके अपने उस प्रोफेसर को, उससे बात ना करी तुम, जाओ यहां से। सर जी मैंने पता किया, इस फिजियो की अपॉइंटमेंट कैंसिल होने का इस अटैक से कोई कनेक्शन नहीं है, और मंजीत भी पिक्चर देखने गया था, वारदात के समय वो अपनी गर्लफ्रेंड त्रिखा के साथ सिनेमा हॉल में ही था। लवलीन जसवंत और कुलजीत इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लवलीन और जसवंत की बॉडी से जो बुलेट्स मिले हैं वो .32 बोर के रिवॉल्वर के हैं। अगर ये दोनों अटैक किसी एक ही क्रिमिनल ने किए हैं तो फिर उसने कुलजीत को पेचकस से गोद गोद के क्यों मार डाला? सर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कुलजीत से दुश्मनी निकालना चाहता हो और एवं टारगेट बन गई है लवलीन और जसवंत? लेकिन मर्डर तो तीनों का ही हुआ है ना, हो सकता है हत्यारे का प्लान इन तीनों औरतों की हत्या करने का हो, लेकिन फिर उसने कुलजीत से ही ज्यादा नफरत क्यों निकाली? इस कुलजीत के बारे में पता करो। अगर हम मान भी लें कि हत्यारे के प्लान पे ये तीनों औरतें थीं
तो फिर इन तीनों औरतों का कॉमन दुश्मन कौन हो सकता है? सर जी, अब तक जो भी पता चला है उससे इन तीनों में एक ही चीज कॉमन थी, ये तीनों एक ही किटी पार्टी ग्रुप की थी। सर, प्रहलाद जी आए हैं। प्रहलाद जी, फिलहाल सतेंद्र अरोड़ा के खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा। तो जुनेजा या तो कोहली होगा। इन दोनों के पेट्रोल पंप भी मेरी ही कंप्लेंट पे बंद हुए थे। माना के पहला अटैक जुनेजा, अरोड़ा या कोहली में से किसी ने करवाया हो, लेकिन दूसरा अटैक किसी और ने किसी और रंजिश के तहत किया है। कैसी रंजिश? ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो आपकी बीवी और बहू को ही नहीं बल्कि आपकी पड़ोसन कुलजीत को भी मारना चाहता हो? मुझे सबसे ज्यादा शक इस सतेंद्र अरोड़ा पर। वो दुश्मनी तो मेरे से निकालना चाहता था, लेकिन उसने मेरी बीवी को मार के मेरी बहू और कुलजीत को बलि का बकरा बना दिया। ये जुनेजा और कोहली दोनों उससे मिले हुए हैं, तीनों मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। हम देखते हैं, पोस्टमार्टम हो गया है, आपकी बीवी और बहू की बॉडी कल तक मिल जाएगी। बॉडी तो आप मुझे दे दोगे, लेकिन मैंने इंसाफ चाहिए था। मेरे करती चनालियों को इन कमीनों ने मार डाला, कत्ल कर दिया। मेरा होने वाला वारिस जो इस दुनिया में आने वाला था, उसको मौका भी नहीं मिला इस दुनिया में आने का। सर जी, मैंने इंसाफ चाहिए था, सिर्फ इंसाफ। प्रहलाद बाजवा के वारिस तो और भी हैं, फिर जो दुनिया में आया ही नहीं उसको वारिस बोलने के पीछे क्या राज हो सकता है? सर, उनका छोटा पोता संजीत जेल में है और बड़ा पोता मंजीव भी बिगड़े ले, शायद इसलिए तीसरे से उम्मीद लगा बैठे हूं। लेकिन प्रहलाद जी का बेटा सुरेंद्र, लवलीन का पति, पता करो उसमें भी कोई ऐब है। जी सर जी, पुलिस इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और यह भी माना जा रहा था कि अगर ये दोनों अटैक्स अलग क्रिमिनल्स ने अलग अलग मकसद से किए हैं तो कौन किसकी दुश्मनी का शिकार बना। लेकिन प्रहलाद बाजवा का बयान पुलिस की इस थ्योरी को खारिज कर रहा था। पर जल्द ही पुलिस को हत्या के तीनों विक्टिम्स कुलजीत कौर, जसवंत और लवलीन के किटी पार्टी ग्रुप से जुड़ा एक राज पता चला। सर, शोभा सेठी का लवलीन और उसकी मदर इन लॉ जस्सी आंटी से कुछ पंगा हुआ था। कैसा पंगा? सर, शोभा हमारी किटी ग्रुप की मेंबर बनना चाहती थी, लेकिन वो दोनों को ये मंजूर नहीं था। मिसेज अग्रवाल ने बिना किसी के परमिशन लिए उसको इस किटी ग्रुप का मेंबर बना दिया। अरे लवली जी, हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? इसे किसने बुलाया? जी, मैंने बुलाया। किसे पूछकर? मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आई एम द ऑल टाइम मेंबर। वैसे भी लवली, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है शोभा से? तू जानती है ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ मालूम भी है इसके बारे में? आंटी, इतना भी घमंड अच्छा नहीं। मैकेनिक है इसका हस्बैंड, गैराज है उनका। तू चुप कर भिखारन कहेगी, जबान संभाल के बात कर। अरे जबान तू संभाल ले तो मुंह तोड़ देना है तेरा। अच्छा, जमीन पे लाके खड़ा ना कर दिया ना तो शोभा नाम नहीं मेरा। धमकी तो दी थी शोभा ने, गॉड ब्लेस देयर सोल्स। हाँ, लेकिन लवलीन और जस्सी आंटी ने बहुत जलील किया था शोभा को। सर, बहुत बदतमीजी की थी दोनों ने मेरे साथ, मुझे बहुत जलील किया था, इसलिए मरवा दिया उनको। नहीं सर, मैं कैसे मरवा सकती हूँ? पर धमकी तो दी थी आपने। हाँ सर, गुस्से में थी इसलिए बोल गई थी, पर मैंने उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। शोभा अपने बयान पर कायम रही और उसके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं मिला। वहीं तीनों औरतों की लाश उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए दे दी गई। पापा जी, आप मुझे गलत मत समझना, माना कि आपने मेरा पेट्रोल पंप बंद करवा दिया, मेरा सब काम धंधा चौपट हो गया, लेकिन पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे खुद बहुत दुख है इस बात का, मेरी हमदर्दी है आपके साथ। ओए, नहीं चाहिए तेरी हमदर्दी, निकल यहां से। तूने सिर्फ मेरी बीवी और बहू को ही नहीं मरवाया है बल्कि मेरे होने वाले पोते का भी कत्ल किया। अगर प्रहलाद बाजवा का शक सही था
तो क्या सतेंद्र अरोड़ा ने ऐसी साजिश रची थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था, या फिर अपराधी किसी और ही मुखौटे में था? सर, लवलीन के पति सुरेंद्र का एक फ्लैट है द्वारका में, जहां उनके कंपनी की मैनेजर रूबी रहा करती थी। वहां काफी आना जाना था सुरेंद्र का। इस हत्याकांड से एक दिन पहले रूबी ने वो फ्लैट खाली कर दिया और अगले दिन उसे जॉब से निकाल भी दिया गया। ये सुरेंद्र और रूबी में रिलेशन क्या है, और फ्लैट खाली करके रूबी गई कहां, ये अच्छी तरह से पता करो। सर, सर जी, पता चला है कि कुलजीत के पति तेजिंदर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस पहले कुलजीत के फादर का था। कुलजीत की शादी के बाद तेजिंदर ने इस बिजनेस को टेक ओवर किया, लेकिन कई महीनों से बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। तभी तेजिंदर ने एक रोहतास सिंह नाम के आदमी से पार्टनरशिप की। और सर जी, जब मैंने रोहतास सिंह के बारे में पता किया तो सामने आया रोहतास एक हिस्ट्री शीटर है और 2 साल पहले तक फ्रॉड के केस में अंदर था। तुम तेजिंदर से मिलो, मैं इस रोहतास से मिलता हूं। जी सर जी। बड़ी जल्दी में? नहीं, वो ऑफिस 2 दिन से बंद था। तो ये रोहतास पार्टनर था ना तुम्हारा? जी, पहले था, लेकिन 1 महीना पहले ही पार्टनरशिप तोड़ दी मैंने उससे। क्यों? वो एक्चुअली कुलजीत को कुछ प्रॉब्लम थी रोहतास से। कुलजीत से तुम्हारा तो कोई पंगा नहीं था ना? नहीं सर, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रोहतास जी, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है हमें। तलाशी? हाँ, तलाशी लो घर की। .32 bore। अब बाकी की बातें थाने में चल के होंगी, लेके चलो इसे। सर, सर, बताता हूँ सर। बोल। अपनी सारी कमाई लगा दी मैंने तेजिंदर के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, पर उसकी लुगाई को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। अब आप ही बताइए सर, ये भी कोई बात हुई? और इसलिए तूने उसकी लुगाई की शक्ल बिगाड़ दी? हाँ, और वहां सिर्फ कुलजीत ही नहीं, उसके अलावा 2 औरतें थी जिसका तूने काम तमाम कर दिया। ओ जी सर जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं क्यों मारूंगा किसी को? तेजेंद्र ने सब कुछ उगल लिया है। कैसे तूने तेजेंद्र के साथ मिलकर कुलजीत को मारने का प्लान बनाया था? सर, उसने बोला कि बीवी का मोह छोड़ दूसरी ले आ, उसका काम खत्म कर देता हूँ मैं। तो मतलब कुलजीत को मारने का मन बना लिया था तुम दोनों ने? जी नहीं सर, जब उसने ये बात बोली तो मैंने उसके साथ पार्टनरशिप तोड़ दी। आखिर बीवी से बढ़कर थोड़ी ना है वो। तो अब तेरी बीवी को किसने मारा? सर, सर, मैं मानता हूँ कुलजीत को मारने के लिए मैंने ही बोला था, लेकिन मारा नहीं। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा, तोड़ो इसे अच्छी तरह से। एक तरफ पुलिस मुस्तैदी से इस केस से जुड़े सुराग तलाश रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद बाजवा इंसाफ की गुहार लगाता हुआ रोजाना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगा। लेकिन इस केस में कई नाम और चेहरे शक के घेरे में आने वाले थे। लो, नेता हूं आज मैं, हिम्मत तो मेरे सामने, अब क्यों नहीं चलाते गोली? कहां चली गई हिम्मत तुम लोगों की? पापा जी, कमी रहे। पापा जी चलो, पापा जी अंदर चलिए, शांत हो जाओ। मेरे जसवंत को सील लिया इन लोगों ने। पापा जी अंदर जी, आओ। मार दी गोली उसको। पापा जी आओ, शांत हो जाओ प्लीज, आओ चलिए पापा जी। सर जी, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक जो एम्प्टी शेल्स हमें पेट्रोल पंप और लवलीन और जसवंत की बॉडी में मिले थे, वो रोहतास के रिवॉल्वर से नहीं दागे गए, लेकिन पता चला है कि .32 bore के रिवॉल्वर प्रहलाद जी के पास भी है। ये रिवॉल्वर का लाइसेंस। सर जी, आपने पहले पूछा ही नहीं, और मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पास कोई रिवॉल्वर भी है। कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सालों से बस अलमारी में ऐसे ही पड़ी थी। तो अलमारी से कोई और भी तो निकाल सकता है ना जी? ना, इसके लॉकर की चाबी मेरे अलावा और किसी के पास नहीं थी। लेकिन ये तो जाम पड़ी हुई है। सर जी, मैंने आपसे कहा ना कि ये सालों से ऐसी अलमारी में पड़ी थी, बस आखिरी बार ये सुरेंद्र की शादी में चली थी। ठीक है, कुछ पड़ताल करके लौटाते हैं आपको। इंस्पेक्टर साहब,
आप पड़ताल ठीक से कर नहीं रहे हैं। ये कत्ल जुनेजा, अरोड़ा और कोहली नहीं किए। जिसने भी किए बहुत जल्द हमारा मेहमान जरूर होगा। एकदम अय्यास आदमी है सुरेंद्र सर। उनका चक्कर था रूबी से, फ्लैट तो बाद में दिया, पहले तो ऑफिस में ही शुरू हो जाते थे। और ये क्या हुआ? चल रूबी, चल 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 चल। मैंने कभी ये बात उनके पापा जी को नहीं बताई, क्योंकि सुरेंद्र सर ने धमकी दे रखी थी कि मैंने मुंह खोला तो नौकरी से निकाल देंगे। इन सब के बारे में सुरेंद्र की बीबी लवलीन या घर वालों को कुछ तो पता चला होगा। शायद जिस तरह से रूबी को निकाला गया उससे तो यही लगता है। सर, सुरेंद्र और रूबी का चक्कर तो कन्फर्म था, लेकिन रूबी को अचानक जॉब और फ्लैट से क्यों निकाला गया इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन सर, कोई बड़ी बात जरूर हुई थी। अब कहाँ रह रही है ये रूबी? ऑफिस रिकॉर्ड से एक परमानेंट एड्रेस मिला है, मयूर विहार में रहती है। ये रूबी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि हत्या वाले दिन ये कहां पर थी। सर, सर जी, बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से लवलीन और जसवंत पे प्रहलाद बाजवा की रिवॉल्वर से गोली दागी गई थी। इसलिए कुलजीत को पेचकस से गोद गोद कर मारा गया, क्योंकि दो फायर होने के बाद रिवॉल्वर जाम हो गई थी। और पेट्रोल पंप पे जो अटैक हुआ था वो प्रहलाद बाजवा की रिवॉल्वर से नहीं हुआ सर जी। लवलीन और जसवंत बाजवा पर जिस .32 रिवॉल्वर से अटैक किया गया था वो रिवॉल्वर प्रहलाद बाजवा की थी, ये इस केस का चौंका देने वाला रहस्य था। वहीं बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये भी साफ हो गया था कि पेट्रोल पंप पर जो अटैक हुआ था उसमें किसी दूसरी रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ था। क्या पुलिस की थ्योरी सही थी कि दोनों हमले अलग अलग मकसद से किए गए थे, या राज कुछ और ही था? ओ जी, सच कह रहा हूं, पिछले कई सालों से मैंने अपने रिवॉल्वर को हाथ भी नहीं लगाया था, और आप बोल रहे हो कि मेरे ही रिवॉल्वर से जसवंत और लवलीन पर गोली दागी गई। बैलिस्टिक रिपोर्ट है हमारे पास, माना कि पेट्रोल पंप पे जो अटैक हुआ वो आपके रिवॉल्वर से नहीं हुआ था, लेकिन आपकी बीवी की हत्या की कोशिश पहले भी हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं आप? दोनों हमले मैंने करवाए। आप मान रहे हैं या पूछ रहे हैं? देखो जी, मैं तो पूछ रहा हूं, पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? पहले आप ये बताइए कि इस घर में क्या चल रहा है, उसमें भी इस रूबी का क्या रोल है? रूबी हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर थी, बस। मैनेजर ही नहीं थी, आपके बेटे ने रूबी को रखेल बना रखा था। रूबी और आपके बेटे सुरेंद्र के बारे में हमें जो पता चला वो कुछ ऐसा ही है। ये सच है कि रूबी और मेरा फेर था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? लवली ने तुम्हें और रूबी को साथ में देख लिया था, जो रूबी से सारे संबंध तोड़ लिए। पिछले 6 महीने से तुमने रूबी को अपने फ्लैट में रख रखा था, ये लवलीन को कब पता चला? ये थोड़े दिन पहले। थोड़े दिन पहले नहीं, हत्या से 1 दिन पहले। क्यों? हाँ जी सर, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरे इस हमले से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारे पापा जी की रिवॉल्वर का इस हमले से लेना देना है। गायब करके किसी और को दी थी शूट करने के लिए, या फिर खुद ही गोली दाग दी? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, मेरा ट्रस्ट करो। हमले वाले दिन बाजवा परिवार के हर फैमिली मेंबर की एक्टिविटीज फिर से पता करो। प्रहलाद बाजवा का कहना है कि उसके रिवॉल्वर उसके लॉकर में ही रहा करती थी, जिसकी चाबी सिर्फ उसी के पास थी। अगर प्रहलाद का बयान सच है तो हो सकता है उसकी चाबी किसी ने चुरा के डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो। या आसपास के एरिया में जितने भी चाबी बनाने वाले हैं सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो, हो सकता है कोई लीड मिले। जी सर। और लगता है इस रूबी से मिलने का वक्त अब आ गया है। अब इन संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा था कि अगर प्रहलाद बाजवा की .32 रिवॉल्वर चोरी हुई थी तो चोरी करने वाला घर का ही कोई सदस्य था, या प्रहलाद बाजवा पुलिस से कुछ छुपा रहा था। और वहीं इस केस में रूबी और लवलीन के पति सतेंद्र बाजवा के नाजायज रिश्ते का खुलासा होने के बाद पुलिस लवलीन के भाई हैरी से भी मिली। लवलीन ने मुझे सब बता दिया था कि जीजा जी का रूबी से चक्कर था। तो फिर आपने क्या सलाह दी? मेरी सलाह कहाँ मानती है वो, मैंने तो बोला था कि जीजा जी से संबंध तोड़ना है तो घर छोड़ के आ जा, पर वो तो जीजा जी को घर से निकलवा रही थी। पापा जी से बोली कि अपने बेटे को घर से निकाल दो। मैं आपके पुत्र के साथ नहीं रह सकती, इसे घर से बाहर निकालो बस। तो फिर पापा जी का क्या रिएक्शन था? अब रिएक्शन का तो पता नहीं साहब, पर पापा जी तो लवलीन के छोटे बेटे संजीत को माफ़ी दे के घर में रखना चाहते थे, पर दीदी ने सुनी नहीं उनकी और जेल भिजवा दिया उसको। अच्छा हरजीत जी, आपको क्या लगता है
लवलीन को किसने मारा होगा? सच कहूँ सर जी तो अब तक तो मुझे वो पेट्रोल पंप वाले सतेंद्र अरोड़ा पे शक था, पर जब से पता चला है कि पापा जी की रिवॉल्वर से हमला हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर मैं तो उसी रात वहां से चली गई थी, बल्कि मुझे तो खुद दो दिन बाद पता चला कि उन पर हमला हुआ है। किसने बताया? सुरेंद्र ने। वो क्या बताएगा, धोखेबाज कहीं का। उस रात से मेरा फोन तक नहीं उठा रहा, मैंने मंजीत को फोन किया तो पता चला। मतलब बाप के साथ बेटे को भी? ऐसा कुछ नहीं है सर, सुरेंद्र मेरा फोन नहीं उठा रहा था इसीलिए मैंने मंजीत को फोन किया, लेकिन कम तो वो भी नहीं है। मतलब? सर उसने मेरा और अपने बाप का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था। मंजीत ने लवलीन को मेरा और सुरेंद्र का वीडियो दिखाया, तभी लवलीन को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला। जो तुम नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि सुरेंद्र डिवोर्स ले ले लवलीन से, बहुत परेशान था सुरेंद्र उससे, और सुरेंद्र ही क्या, लवलीन का बेटा मंजीत भी उससे बहुत परेशान था। हाँ सर जी, चिढ़ता था मैं मम्मी जी से, पर पापा जी और रूबी का वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया वो वीडियो? संजीत ने। संजीत ने? जी, जेल जाने से पहले उसने वो वीडियो बनाया था। या संजीत एक काम करते हैं, मम्मी जी नु बता देते। वे पागल है तू, मम्मी जी नु नहीं बताना। वाकई में संजीत ने वो वीडियो बनाया? झूठ बोल रहा है तू। नहीं नहीं जी, वीडियो संजीत ने ही बनाया है। क्यों बनाया था? मम्मी जी से कुछ भी मांगो मना कर देती, और पापा जी भी मम्मी जी के डर से कुछ नहीं दिलाते। पापा जी को ब्लैकमेल करने के लिए संजीत ने ये वीडियो बनाया, और एक कॉपी मुझे भी दी, फिर हम जो मांगते हमें मिल जाता। लेकिन संजीत की चोरी करने की आदत फिर भी नहीं गई, और फिर मम्मी जी ने उसे पकड़ लिया। अपने ही घर में धक्का खाएगा, चोरी करेगा, इसको सारा झंझट ही खत्म कर देना है। अरे की होया, शांत हो जा, की गल है? ये किया है, इसे तो मैं जेल भिजवा देना है। ना पुत्र, बच्चा है, माफ कर दे उन्हें। दीदी छोड़ो ना, जाने दो। कोई बीच में नहीं बोलेगा, मेरे और इसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। ऐसे इसकी लत नहीं छूटनी है, एक दो साल बिना ड्रग्स के जेल में सड़ेगा ना, तभी इसकी अकल ठिकाने आनी है। जी बचा लो मामा जी, बचा लो मामा जी। तो तेरी माँ से हर मर्द नफरत करता था है? हाँ, मम्मी जी को लगता था कि पापा जी उनकी सुनते हैं, लेकिन संजीत को जेल भेजवाना पापा जी को भी अच्छा नहीं लगा, और मम्मी जी तो मुझे और पापा जी को भी घर से निकलवा रही थी। तो तूने अपने बाप के साथ मिलकर उन लोगों को मरवा दिया है? नहीं नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शोभा, रूबी, रोहताश, तेजिंदर, सुरेंद्र, मंजीत और प्रहलाद जी, ये सभी हमारे सस्पेक्ट हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है सर जी। सर ये दीपू है चाबी वाला, जिसने प्रहलाद बाजवा के लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनाई थी। सर सर जी, ये सीसीटीवी सर्किट बोर्ड। सर ये ड्रग्स और चाबियां। पापा जी कई बार चाबी पेट्रोल पंप पे भूल जाते थे, एक रोज मैंने डुप्लीकेट बनवा ली, एक अलमारी की और एक अंदर के लॉकर की, फिर उस दिन उनके घर गया, सीसीटीवी का सर्किट बोर्ड निकाला और अंदर के लॉकर से पापा जी की रिवॉल्वर निकाली, अचानक कुर्सी से टकरा गया। मैं देखती हूँ पीछे। मैं तो बस लवलीन को मारना चाहता था, पर अपना क्राइम छुपाने के लिए जसवंत जी और
कुलजीत को भी मारना पड़ा। लेकिन तू अपनी बहन को क्यों मारना चाहता था? साहब जी, वो पांचवा परिवार का नमक खाया मैंने, ये कर दीजिए मेरे को उनकी, पर वो लवलीन फैमिली के खिलाफ थी। अच्छा मानता हूँ जी जीजा जी ने गलत किया उसके साथ, पर संजीत चेड़ भिजवा दिया उसको, बच्चा है जी 19 साल का बच्चा, मुझे मानता नहीं था, सिर्फ मेरा वो मेरा दोस्त है जी, दोस्त मेरी आंखों के सामने पुलिस पकड़ के लेके गई उसको, घसीट घसीट के गिड़गिड़ा रहा था वो, जी बचा लो मामा जी बचा लो मामा जी। नवलील को तरस नहीं आया उस पे। उस साहब जी एक बात कहूं, ये जो लवलीन है ना, डिप्रेस जननी थी जी, सारे परेशान थे उससे, मुझे बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें माफी देते हैं कि जेल भिजवा देते हैं, मेरे पार्टनर संजीत की लाइफ चौपट कर दी उसने। बेटे को चोरी करने से मना किया, ड्रग्स की लत छोड़ने को बोला, दूसरे बेटे को प्यार मोहब्बत बाइक शाइक छोड़ के पढ़ने के लिए बोला, अपने पति से रिश्ते की ईमानदारी बनाए रखने को बोला, क्या गलत किया उसने? तूने तो हत्या ही कर दी, वो भी एक नहीं तीन तीन। हालांकि पुलिस ये पता लगाने में कामयाब नहीं हुई कि पेट्रोल पंप पर हमला करवाने वाले कौन थे, लेकिन ये साफ हो चुका था कि हैरी ने सिर्फ अपनी बहन लवलीन की हत्या ही नहीं की थी, बल्कि उसकी सास जसवंत के साथ कुलजीत भी उसके ही अपराध का शिकार हुई थी। दुनिया में शायद सबसे मुश्किल और जिम्मेदारी का काम बच्चों को अच्छी परवरिश और तालीम देना ही है। हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका करियर बनाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि जब बच्चे भटक जाते हैं तो खतरे में सिर्फ उनका भविष्य नहीं बल्कि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, सब कुछ ताक पर होता है। साहब बहुत परेशान करके रखा उसने, रात को उठ के चिल्लाने लगती है, कल आधी रात को उसने मुझे डरा ही दिया साहब। उसके माँ बाप एक तांत्रिक को लाए थे, वो बोला सब कुछ ठीक है, पर कुछ ठीक नहीं है सर, अभी भी उसका रात को चीखना चिल्लाना चालू है। मैं तो बोलता हूँ साहब कोई भूत वूत नहीं है, सब नाटक कर रही है वो अपने पति को दबा के रखने के लिए। जो भी है साहब आप ही हमारी मदद कर सकते है, हमारा जीना उधर मुश्किल हो गया। मद्रे जाके देखो मामला क्या है। भूत पिशाच आत्मा, इस सब के वजूद पर हमेशा से सवालिया निशान रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान की तरह आत्मा के वजूद को भी नकारा नहीं जा सकता है, और कुछ लोग इसे मन का वहम और अंधविश्वास बताते हैं। विज्ञान भी भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारता है, लेकिन मलाड में अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहने वाली शिल्पा इस तरह से अचानक अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या वो सच में किसी आत्मा की चपेट में थी या फिर वो किसी तरह का नाटक कर रही थी? आखिरकार शिल्पा अपने इस संदिग्ध बर्ताव से साबित क्या करना चाहती थी? क्या वो किसी अनहोनी का शिकार हुई थी या वो किसी जुर्म का हिस्सा बनी थी या वो खुद दोषी थी? इन सारे सवालों के जवाब में शायद कुछ ऐसा छिपा था जो भयभीत करने वाला था। आप शिल्पा के पति सुरेश? जी सर। मुझे आपकी पत्नी से कुछ बात करनी है। मिसेज यादव, आपके पड़ोसियों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि आप रात भर चीखती चिल्लाती रहती हैं, जिसकी वजह से उन सबको प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब होते हैं वो। क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई आपको मारता पीटता है? कोई आपको टॉर्चर करता है? देखिए मिसेज यादव, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज बताइए हमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर, पड़ोसी सच कह रहे हैं, शिल्पा चिल्लाती है पर मैं उसे मारता हूँ इसलिए नहीं। साहब मैंने आज तक उस पर उंगली तक नहीं उठाई, चाहिए तो आप मेरी बेटी से पूछ ले, मधु से पूछ लीजिए। क्या आपके पापा आपकी मम्मी के साथ मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं?
अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई अनबन नहीं है, तो तुम्हारी पत्नी ऐसे क्यों रिएक्ट करने लगी? वो रात रात भर चिल्लाती क्यों है? पता नहीं साहब, ये सब कुछ 10 महीने पहले चालू हुआ। कोई कहता है शिल्पा पागल हो गई है, कोई कहता है नाटक कर रही है, उसके माँ बाप कहते हैं भूत का साया है। तुम उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? साहब मैं शिल्पा से प्यार करता हूँ, आपको लगता है मैंने ये सब कुछ किया नहीं होगा? सब कुछ किया साहब, कुछ फायदा नहीं होता इसका। कभी तुमने शिल्पा से ये पूछा है कि आखिर 10 महीने पहले उसने ऐसा क्या देखा या फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट करने लगी? बहुत बार पूछा सर, पर वो बताए तो ना, जब होश में रहती है तो गुमसुम रहती है, नींद से उठती है चिल्लाने लगती है, बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती है सर। मालूम नहीं सर हमारे संसार को किसकी नजर। सर शिल्पा की हालत तो बहुत खराब है, वैसे उसके घर में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है, जैसे ना कुछ देख रही हो ना ही कुछ सुन रही हो। सर मुझे लगता है कि उसको किसी बात का गहरा सदमा लगा है। मादर एक अच्छी खासी औरत बिना किसी मेडिकल इश्यू के इस तरह का डिस्टर्ब बिहेवियर करने लग जाती है, क्यों? ऐसा करो एक आदमी उसके घर के बाहर सर्विस पे लगा दो, देखो क्या होता है। ठीक है सर। और उस टाइम एकदम पागल जैसे हो जाती थी, जैसे कुछ बताना चाहती है सर, पर वो कुछ उसके आगे बता नहीं पा रही। माधुरी भूत वाली थियरी तो कन्फर्म होने से रही, अब रहा पागलपन, इसका मतलब यह है कि उसके पागलपन की वजह है वो हादसा जो उसके मन में घर कर गया, और ये इतनी डरी हुई है कि नॉर्मली नहीं हो पा रही। इस शिल्पा और उसके पति सुरेश की इन्फॉर्मेशन निकालो जरा। दस महीने पहले तक तो शिल्पा वहीं एकदम ठीक थी, बहुत मिलनसार और खुश रहा करती थी। वो रोज अपनी बेटी मधु को आपके घर छोड़ने आती थी। हाँ क्यों? वो काम पे जाती थी ना, इसलिए मधु को यहाँ पे छोड़ती थी। सर एक डांस क्लास है, उसमें रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। काम क्यों छोड़ा? मालूम नहीं साहब। मतलब तुम्हारी बीवी ने नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले लिया और तुम्हें उसकी वजह तक नहीं मालूम है? सर मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की। एक्चुअली क्या होता था सर कि मैं ऑफिस छुट्टी के बाद उसे डांस क्लास पिकअप करने के लिए जाता था। मैं डांस क्लास पहुंचा तो तब तक वहां से वो निकल चुकी थी। मैंने फ़ोन लगाया था, फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा वो घर चली गई होगी, तो मैं भी घर चला आया। सर मैं घर पहुंचा तो वो घर के बाहर ही बैठी हुई थी। तुम यहाँ बैठी हो, अंदर क्यों नहीं? अजीब तरीके से रो रही थी, मालूम नहीं उसका ध्यान कहाँ था, क्या सोच रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि अभी अभी नींद से जागी है। गले लगा के बहुत जोर जोर से रोने लगी। तुमने उसे पूछा नहीं कि क्या हुआ? पूछने की कोशिश की थी साहब, पर उसने कुछ नहीं बताया। अगली सुबह मैंने उससे पूछा कि काम पे नहीं जाना है, तो वो बोली आज से काम पे नहीं जाऊंगी। जोर देके पूछा तो मुझ पर भड़क गई। उस दिन से आज तक उसका पागलपन वैसे के वैसा है। ऐसा क्या हुआ था कि उसने नौकरी छोड़ दी और ऐसी हालत हो गई? सर मुझे लगता है कि शिल्पा के साथ जो कुछ भी हुआ है या तो क्लास के दौरान हुआ है या तो क्लास से घर लौटते वक्त हुआ है। शिल्पा ये जो बार बार बोलती रहती है मार डाला दफन कर दिया, इससे एक तुक तो लगाया जा सकता है कि मामला शायद खून का हो। जरा शिल्पा के डांस क्लास जाके पता करो। ठीक है सर। डांस क्लास आप ही चलाते हैं? हाँ सर। आपके यहाँ एक लड़की एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, शिल्पा नाम की, राइट? हाँ सर। बिना नोटिस दिए वो अचानक काम छोड़ के चली गई और ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं, और 11 जून को वो लास्ट टाइम काम पे आई थी। कमाल है, उसके काम छोड़ने की तारीख आपको मुंह ज़बानी याद है?
वो इसलिए सर क्योंकि 12 जून को हमारी डांस क्लास का स्थापना दिवस होता है और बहुत सी तैयारी करनी होती है और उसके जाने की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 11 तारीख को वो कितने बजे गई थी? नॉर्मल टाइमिंग से थोड़ा लेट हुआ होगा सर, क्योंकि अगले दिन फंक्शन की बहुत तैयारियाँ करनी थी। वो अकेली नहीं रुकी थी, बाकी लोग भी उसके साथ थे। और आप कहाँ थे? सर 11 जून को मेरी वाइफ का बर्थडे होता है तो इसलिए मैं 5 बजे यहाँ से निकल गया था। शिल्पा रुकी थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसको लेने आने वाला था। शिल्पा यही क्लास में ही रुकी थी? नहीं सर, बाहर रुकी थी क्योंकि 9:30 बजे सेटर बंद हो जाता है। सर, शिल्पा उस रात यहीं पर खड़े होकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। सर ये एरिया काफी सुनसान है और मार्केट भी आगे से लेफ्ट टर्न लेने पे ही शुरू होता है, इसलिए सर मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा के साथ जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है। सर मात्र ऐसा भी तो हो सकता है कि शिल्पा के साथ कुछ ना हुआ बल्कि उसने कुछ होते हुए देखा हो जिसका सदमा उसे लगा। जरा उस तरफ देखते हैं, हो सकता है कुछ हाथ लग जाए। ठीक है। माद्रे सर, पूरा मैदान सूखा हुआ है, ये सिर्फ इतने हिस्से में घास उगी हुई है। जरा आसपास कोई वॉचमैन है तो बुला के लाओ। ठीक है सर। सर ये डंप यार्ड का वॉचमैन है। कब से काम करते हो यहाँ? साहब 2 साल से। तब तो तुम्हें आइडिया होगा यहाँ कोई पानी की पाइपलाइन जाती है या पानी का कोई और सोर्स? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं। ठीक है जाओ। जी सर। मात्रे पानी का कोई सोर्स नहीं और पूरे मैदान में सिर्फ यहाँ पे हरी घास उगी हुई है, समझ रहे हो? क्योंकि जमीन में दफनाई हुई बॉडी डीकम्पोज होने के बाद खाद का काम करती है। एक मिनट, थोड़ा संभाल के खोलो। गोल्ड का ब्रेसलेट है हाथ में, इसका मतलब ये खून लूटफाट के इरादे से नहीं किया गया होगा। लगता है शिल्पा ने यही मर्डर देखा होगा और जिसका असर उसके जहन पे आज भी है। मात्र इस ब्रेसलेट पे किसी जूलर का मार्क है। जरा पता करो ये किसने बनाया और किसने बनवाया और आसपास का एरिया अच्छे से छान मारो, देखो मर्डर वेपन मिलता है क्या। कंकाल को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। तुम मत बेटा, आप नीचे जाओ खेलने के लिए, आपके दोस्त लोग सब नीचे खेल रहे हैं, चलो भागो। हाँ मेरी तरफ देखो, पुलिस आ गई है, अपना मुंह बंद रखना, समझी? तुम समझे? मिसेज यादव से कुछ बात करनी है हमें। आइए ना सर। मिसेज यादव, जिसे आप मार देने की गाड़ देने की बात करती है शायद वहां तक हम पहुंच गए। आपकी क्लास के सामने के मैदान में से हमें कंकाल मिला, इसी मर्डर की बात करती है ना, या कोई और बात है? कुछ तो बताइए। मिसेज यादव, जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगी तब तक हम उसको इंसाफ नहीं दिला सकते जिसका मर्डर हुआ है। ये वही मर्डर था ना जिसको आपने होते हुए देखा है? आपने खूनी को भी देखा था ना, आप पहचान सकती हैं ना उसे? कुछ तो बताइए मिसेज यादव, कुछ तो बोलिए, किसने मारा, किसको मारा? आप उनमें से किसी को जानती हैं? सर, अगर पहचान सर, 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 सर प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ और जोर मत डालिए। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है उसने, प्लीज। ठीक, आप जरा हमारे साथ आइए। मिस्टर यादव, डॉक्टर गीता पंचाल एक साइकेट्रिस्ट हैं, आज से आपकी पत्नी का इलाज वो करेंगे, क्योंकि अब ये केस एक मर्डर केस बन चुका है और शिल्पा यादव उसकी आई विटनेस हो सकती है, इसलिए उनका ठीक होना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। इसमें आप भी हमें कोऑपरेट करेंगे? ऑफकोर्स सर, ध्यान रखिएगा उनका। चलते हैं। ठीक
एक भूतग्रस्त लड़की से एक मानसिक असंतुलन से जूझती लड़की तक शुरू हुआ यह केस अब एक मर्डर केस में तब्दील हो चुका था, जिसे कई महीनों पहले अंजाम दिया गया था। पुलिस को एक कंकाल मिला था जिसकी पहचान उनके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। शिल्पा कुछ भी कहने में असमर्थ थी और साथ ही उस पर सुरेश का दबाव भी था। तो क्या सुरेश ही इस हत्या का जिम्मेदार था? और उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई थी, क्या वो झूठी थी? कहीं वो खुद ही तो शिल्पा की इस हालत का जिम्मेदार नहीं था, या फिर शिल्पा भी किसी तरह से इस गुनाह से जुड़ी हुई थी? ये जो तुम्हारे डांस क्लास के सामने जो प्लॉट है, ये किसका है? ये प्लॉट मिस्टर रजत शाह का है। वो इंडिया नहीं, सिंगापुर में रहते हैं और कई सालों से यहाँ पे आए भी नहीं। पाटिल सर, रजिस्ट्रार के ऑफिस से इस प्लॉट की पोस्टल एड्रेस निकालो और ओनर की डिटेल्स निकालो। ओके सर। ये ब्रेसलेट आपके ही शॉप पे बना था? हाँ सर, ये हमारे यही का है। बिल दिखाइए। सुभाष मिस्त्री। हाँ, ये हमारे पुराने कस्टमर है और ये उनका पता है। कहिए। जिस जगह वो कंकाल मिला है उसके सामने डांस क्लासेस, आपकी बेटी डांस क्लास जाती थी क्या? उसकी ऐसी कोई सहेली हो जो वहां जाती और जिससे मिलने वो गई हो? जी नहीं, उसके ऐसे कोई दोस्त नहीं थे। मात्र कंदेवली पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट और उससे रिलेटेड सारे केस पेपर्स मंगवाओ। ठीक है सर। आप लोगों ने अपनी बेटी का कमरा पूरी तरह से समेट दिया। आपको यकीन था कि वो वापस नहीं आएगी? 10 महीने हो गए पुलिस कंप्लेंट की हुए सर। पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी थी पूजा के मिलने की, और हम दोनों में से कोई भी इस कमरे में आता था तो पूजा का किसी से कोई अफेयर वगैरह था क्या, या कोई दुश्मनी? आपकी किसी से कोई रंजिश थी क्या जिसकी वजह से पूजा को कोई मार सकता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। यह रही कांदीवली पुलिस स्टेशन से पूजा की मिसिंग रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन की फाइल। इसके मुताबिक पूजा 10 महीने पहले 11 जून 2016 को अपने कॉलेज जाने के लिए निकली थी। हाँ सर, लेकिन पूजा के दोस्तों के बयान के मुताबिक वो उस दिन कॉलेज पहुंची ही नहीं थी, और पुलिस के मुताबिक कॉलेज पहुंचने से पहले ही पूजा का फोन बंद हो गया था। इसका मतलब पूजा को आधे रास्ते से ही उठा लिया गया। शिल्पा के साथ जो हादसा हुआ वो भी 11 जून को हुआ, लेकिन रात में, और क्लास और शिल्पा के आई विटनेस होने के बीच का जो समय है उसके मुताबिक या तो पूजा को मार के वहां ले जाके दफनाया गया, या फिर वहीं मार के दफनाया गया। शिल्पा जब तक बयान देने की हालत में नहीं होती तब तक हमारे लिए ये सिर्फ एक अंदाजा है। डॉक्टर पंचाल, मिसेज यादव की तबीयत अब कैसी है? काफी बड़ा सदमा लगा है, उसे हील होने के लिए थोड़ा और टाइम देना चाहिए। आइए ना, आपसे कुछ बात करना। बहुत अच्छा, ऐसे ही चुप रहना,
तो इन लोगों से जल्दी पीछा छूटेगा। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पूजा का मर्डर 1 से 20 जून के बीच में हुआ है और मर्डर किसी चाकू या धारदार वेपन से किया गया है, क्योंकि हड्डियों पे स्क्रैच के निशान मिले हैं। सर, इसका मतलब है कि फोन स्विच ऑफ होने से मौत होने तक पूजा किडनैपर के कब्जे में थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसका किडनैप हुआ ही ना हो, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ गई। मात्रा, अगर ऐसा भी है तो उस पास्ट के पर्सन को हमें ढूंढ के निकालना तो होगा। जरा पता करना होगा कि पूजा का घर वालों से और बाहर वालों से रिश्ता कैसा था। मुझे माफ करना बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी एक गलती की वजह से तेरी जान चली गई, असली गुनहगार तो मैं हूं। मैंने तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना, माफ करना पूजा। तुम्हारी सोसाइटी में जो सुभाष मिस्त्री रहते हैं, उनकी बेटी पूजा मिस्त्री, ये कैसी लड़की थी? हंसमुख थी साहब, बहुत अच्छी लड़की थी साहब, हम कभी उसको उदास नहीं देखे साहब। पूजा जैसे बच्चे आजकल कहाँ देखने मिलते हैं सर, रोज अपने पापों को लेकर नीचे घूमने आया करती थी। सुहास जी को कभी पूजा से सीधे मुंह बात करते हुए नहीं देखा। पता है, सुबह सुबह ताजी हवा में घूमने से ना हमेशा माइंड फ्रेश हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है और विल पावर भी बढ़ जाती है। फिर ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। पापा, पानी। ये सुभाष जी पूजा से किस बात पे नाराज रहते हैं? साफ साफ तो कुछ पता नहीं है, लेकिन सुभाष जी हमेशा कहते थे उसने उनकी जिंदगी छीन ली है, वो कभी भी पूजा को माफ नहीं करेंगे। सर, पूजा फ्रेंडली थी पर वो हमारे इतने क्लोज नहीं थी कि हम उसके बारे में कुछ जान सके। हाँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड नीलिमा है, शायद उसे कुछ पता हो। सर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड तो थी पर कभी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं किया। हाँ, उसे एक लड़का लेने और ड्रॉप करने ज़रूर आता था। कौन था वो लड़का, क्या नाम था उसका? सर, नाम तो याद नहीं, कभी पूजा ने मिलवाया नहीं। हाँ, उसके कार के साथ हमने सेल्फी ज़रूर ली थी। वो सेल्फी है तुम्हारे पास? हाँ, फोन में ही है सर, मुझे दिखाओ। सर, जब हम सुभाष से पहली बार मिले थे तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि वो अपनी बेटी से बात तक नहीं करता होगा, और उस दिन उन्होंने पूजा का किसी से अफेयर होने से भी इनकार किया था, जबकि इंक्वायरी में ये सामने आया है कि एक लड़का कॉलेज में रोज पूजा को लेने और छोड़ने जाता है। सर, हो सकता है कि ये अफेयर ही सुभाष की नाराजगी की वजह। बिल्कुल हो सकता है, मैं सुभाष से पूछताछ करता हूँ, तुम आरटीओ से उस गाड़ी की डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। सॉरी हम आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन पूजा के बारे में कुछ सवाल पूछना है। पूछिए। हमें पता चला है कि आप पूजा से बात नहीं करते थे, वजह जान सकते हैं? सर, आपने जिस गाड़ी का नंबर दिया था वो गाड़ी किसी असलम के नाम पर रजिस्टर है सर, ये उसके एड्रेस। मैं नाराज था उससे, लेकिन नाराज होने की भी वजह थी सर, उसकी एक गलती ने मुझे, 2 साल पहले की बात है, उसने कार चलाने की जिद की थी, पूरी तरह उसके अगेंस्ट था, लेकिन पापा क्या प्रॉब्लम है, मैं कार क्यों नहीं चला सकती? क्योंकि तुम्हें कार चलाना नहीं आता, और एक ड्राइवर के लिए जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो तुम में नहीं है। पापा, कार एक मशीन है और उसके लिए मैच्योर होने के लिए उसे चलाने आने की जरूरत होती है। पूजा, सिर्फ स्टेयरिंग घुमाना मतलब कार चलाना नहीं होता, अरे उन लोगों के बारे में सोचना पड़ता है जो रास्ते पर चलते हैं। अरे तुम्हारा क्या भरोसा? क्यों बहस कर रहे हैं इसे, जानते हैं कि जीतेंगे। वैसे एक बात कहो, कार चलाना सीख लिया है इसने? सारिका, तुम बीच में मत पड़ना। नहीं मतलब नहीं, उसकी जिद में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए।
उसके बाद मैंने उसको कभी माफ नहीं किया। अगर उसको उसको माफ करता तो शायद आज मेरी बच्ची मेरे पास होती। मतलब पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा, पापा प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि दो साल पुरानी बातें आपके किसी काम नहीं आएगी। मिस्टर मिस्त्री, क्या हमारे काम का है क्या नहीं है ये हमें डिसाइड करने दीजिए। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर कीजिए प्लीज। इन्हें तो पता नहीं, आप बता सकती हैं कि बात क्या थी? सर, जो गाड़ी पूजा को कॉलेज से पिकअप करती थी वो किसी असलम नाम के आदमी की है। सर, ये असलम गाड़ियां रेंट पे देता है। मैंने उसका रजिस्टर चेक किया तो पता चला कि उन दिनों किसी ऋषि नाम के लड़के ने ये गाड़ी रेंट पे ली हुई थी। सर, ऋषि ने जो नंबर दिया था वो डिस्कनेक्ट है और जो एड्रेस दिया था वहाँ पे ताला लगा हुआ है। पूजा के माँ बाप से पता करो वो किसी ऋषि को जानते हैं क्या, और ये सुभाष की बीवी सारिका का बैकग्राउंड भी जरा चेक करो। उसको गड़बड़ है इस पति पत्नी में। ये सारिका जितना अपने आप को सीधा दिखाती है उतनी है नहीं। दो साल पहले सुभाष का एक्सीडेंट हुआ, उसने अपनी नौकरी गवा दी। पूजा कॉलेज में पढ़ती थी, सारी का हाउसवाइफ है, के घर का खर्चा कैसे चलता है? कत्ल के मामले में पुलिस के हाथ कंकाल लगे अब एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब तक पूजा की पहचान के अलावा पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। ऋषि के नाम पर उम्मीद जगी थी लेकिन वो भी टूट गई जब सुभाष और सारिका ने ऋषि नाम के किसी भी लड़के को जानने से इनकार कर दिया। पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखाई दी जब उन्हें यह पता चला कि घर के खर्चे को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुभाष और सारिका ने एक लड़के को पेइंग गेस्ट रखा है जिसका नाम राजा है। कौन है यह राजा और क्या उसका पूजा के कत्ल से कोई ताल्लुक है? सर, राजा हमारा पेइंग गेस्ट था। अब कहां है ये राजा? वो तो पता नहीं, एक साल का प्रोजेक्ट था उसका, प्रोजेक्ट खत्म हुआ और वो चला गया। हमने पूछा भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। और ये पेइंग गेस्ट आपको मिला कैसे? ऐड दिया था पेपर में, वही पढ़कर आया था। हमें लड़का शरीफ लगा, हमने रख लिया। उसकी पुलिस एनओसी करवाई थी आपने? नहीं सर, लड़का ठीक ठाक लगा, शरीफ लगा, तो जरूरत नहीं समझी। ऐसे बिना जान पहचान के, बिना बैकग्राउंड चेक किए, बिना पुलिस एनओसी के आप किसी को भी घर में रख लेते? शर्मानी चाहिए आपको। आप जैसे लोगों की वजह से क्राइम को बढ़ावा मिलता है। अजीब किस्म के लोग हैं सर, बिना किसी जानकारी के पेइंग गेस्ट रख लेते हैं। उनकी बेटी का अफेयर चल रहा है, वो रोज किसी से मिलती जुलती है और इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अजीब लापरवाह किस्म के लोग हैं सर। मतलब ये भी तो हो सकता है कि लापरवाह है नहीं, बन के दिखा रहे हैं। एक काम करो, ऋषि के तब के कॉल रिकॉर्ड निकालो जब उसका फोन एक्टिव था, और सारिका और सुभाष के तब के भी और अब के भी। ठीक है सर। हेलो, साले तेरी हिम्मत कैसी हुई यार फोन करने की? तेरी वजह से मेरा सब कुछ। हेलो, तुमने यहां क्यों फोन किया? रुको, मैं आती हूं तुमसे मिलने। सर, ये रहे ऋषि के एक साल पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, अक्सर जिन नंबर पे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स हुए हैं उनमें एक नंबर तो पूजा का है ही, लेकिन एक नंबर ऐसा भी है जिन पर पूजा से भी ज्यादा लंबी बात की है ऋषि ने। किसका नंबर है? सर, ताज्जुब की बात यह है कि ये नंबर भी ऋषि के ही नाम पे रजिस्टर्ड है। ऋषि के नाम? यस सर। और सर, जब हमने सारिका के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हमारे ही पुलिस स्टेशन में सारिका ने एक साल पहले एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी अपने देवर प्रदीप के खिलाफ। ये रही उसकी कॉपी सर, ये देखिए। मैंने प्रदीप के खिलाफ कंप्लेंट की थी क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। वो इनकी बीमारी का फायदा उठाना चाहता था, मेरा फायदा उठाना चाहता था, और उल्टा मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरा घर बर्बाद कर देगा। बस इसीलिए मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी पुलिस में। बाद में आपने उसकी जमानत भी करवाई? जी नहीं, मैंने जमानत नहीं करवाई थी उसकी।
इन्होंने करवाई थी, ये जानते हुए भी कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता। कुछ नहीं करना चाहता था सर मैं उसके साथ, वो झूठ बोल रही है। उल्टा मैं जब भी भैया से मिलने जाता वो कुछ ना कुछ बहाना करके मेरे पास आती थी और मुझे चिपकती थी। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो उसने पुलिस में शिकायत क्यों की? सर वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, बस वही बात है। उसे पता था कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो वो फंस जाएगी, इसलिए उसने मुझे पहले फंसा दिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सारे इल्जाम तुम पे झूठे लगा रही है? हाँ सर, वो एक नंबर की मतलबी औरत है। सर मैं तो क्या, उसने अपने पेइंग गेस्ट तक को नहीं छोड़ा और मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को रंगरलिया मनाते हुए देखा है सर। हो सकता है तुमने ये सब कुछ सारिका से बदला लेने के लिए किया, सारिका ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की और बदले में तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि तुमने उसकी बेटी का खून भी किया हो। सर मेरा उस कमीनी औरत के साथ कोई लेना देना नहीं है सर। और जहाँ तक पूजा का सवाल है, वो तो मेरी बेटी की तरह है, वो भी मुझे बहुत मानती थी सर, अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती थी मेरे साथ। तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ऋषि नाम के एक लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा था। ऋषि? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे जब भी मिलती थी अपने मम्मी पापा के बारे में, राजा और रघु के बारे में बात करती थी। ये रघु कौन है? सर रघु उनके यहाँ पर एक नौकर था, करीब एक साल पहले वो नौकरी छोड़कर चला गया। पता करो ये रघु आजकल कहाँ है। सर सर सुभाष के घर पे जो राजा पाटिल पेंगेस था उसका ऑफिस का एड्रेस मिल गया सर। आपके यहाँ राजा पाटिल नाम का एम्प्लॉय काम करता है ना? राजा पाटिल? सॉरी सर, इस नाम का कोई भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम नहीं करता। हो सकता है कि एक डेढ़ साल पहले काम करता हो। सर अब इतना पुराना तो कुछ याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ हम अपने एम्प्लॉयज के नाम और एड्रेस हमेशा मेंटेन करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्लीज। ये देखिए सर। ऋषि नायक, ये ऋषि आपके यहाँ एम्प्लॉय था ना? जी हाँ सर। मुझे इसके फोटोग्राफ्स और पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये देखिए सर। यही वो लड़का है जो पूजा को कॉलेज छोड़ने और पिकअप करने आता था? सर बहुत टाइम हो गया, ठीक से याद तो नहीं, पर शायद यही है। सर हमने ऋषि की फोटो असलम को दिखाई है जो कार रेंट पे देता है। असलम ने आइडेंटिफाई किया है कि ऋषि ने ही कार रेंट पे ली थी। नहीं सर, ये ऋषि नहीं, ये तो राजा है और यही तो सुभाष भाई के यहाँ पेंगेस में रहता था। राजा ही ऋषि है, ये खुलासा पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर क्या ये भी संभव था कि सारिका और सुभाष जानते थे कि राजा ही ऋषि है लेकिन वो ये बात पुलिस से जानबूझकर छिपा रहे थे? राजा क्यों दो दो नामों का सहारा ले रहा था? क्या इसके पीछे भी कोई राज था? इसे पहचानते हैं? सर ये तो राजा है, यही तो था हमारे यहाँ पे एंगेस्ट। तब तो आपको ये भी पता होगा कि यही आदमी राजा और ऋषि नाम की दो आइडेंटिटी के साथ जी रहा था। नहीं, ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं था। मिस्टर मिस्त्री आपको कई सारी चीजें नहीं पता, इस आदमी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि इसका पूजा के खून से कोई वास्ता हो। सारिका जी आपको तो जरूर पता होगा। जी नहीं। सर पूजा के यहाँ जो रघु नाम का नौकर काम करता था वो यूपी का रहने वाला है और एक साल पहले काम छोड़कर वो वापस यूपी चला गया था, लेकिन सर कुछ ही दिनों बाद वो वापस मुंबई आ गया। सर इस रघु ने सुभाष के यहाँ से काम 7 अप्रैल को छोड़ा था, लेकिन सुभाष के लैंडलाइन नंबर के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सुभाष के घर का कोई ना कोई सदस्य इस रघु के साथ जून तक लगातार कॉन्टैक्ट में था। कौन हो सकता है जो रघु से कॉन्टैक्ट बनाए हुए था? सुभाष, सारिका या फिर पूजा? इस रघु को उठा लो और सारिका पर नजर रखो, क्योंकि अगर प्रदीप के बयान में जरा सी भी सच्चाई है तो सारिका राजा को बचाने की कोशिश जरूर करेगी। ठीक है सर। सर ऋषि तो वैसे ही बहुत चालू चीज था साहब, ऐसे तो पगार ज्यादा नहीं थी फिर भी गाड़ी लेकर घूमता था और जब भी देखो सुबह में अलग लड़की शाम में अलग लड़की होती थी, एक ही घर की माँ और बेटी दोनों को घुमा रहा था। सर ये लड़की थी क्या जिसे घुमा रहा था? हाँ यही थी सर। और ये वो औरत थी? जी सर।
भाई थोड़ा तो खा ले। मुझे नहीं खाना। क्यों आई? तू खाएगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? ये ले खा ले। मुझे नहीं खाना बेटा, मेरे मन में एक बहुत बड़ा बोझ है, जब तक वो नहीं उतरता तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। क्या बोल रही है? कौन सा बोझ? मैंने किसी के ऊपर अन्याय होते देखा और मुझे सब पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे शिल्पा, तुम्हारे दिमाग पे ये जो सच्चाई का भूत सवार है ना, उसे उतार के फेंक दो। इसी में हम सब लोगों की भलाई है। यार मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, पर ये पुलिस के झमेरे में नहीं पड़ना चाहता। एक बार केस हो गई तो 100 बार कोर्ट जाना पड़ेगा और मैं वो सब नहीं कर सकता। सुरेश, अगर मैं चुप रही तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती। तुम जानते हो मैंने ये भूत का नाटक क्यों किया? क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो जिंदगी भर मुझ पे ये बोझ रहेगा। सारिका, सारिका, देखो हमें मालूम है कि तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो वरना हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ो। पकड़ो सर। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, हम सब जान चुके हैं। तुम्हारे आशिक के साथ तुम्हारी बेटी का अफेयर था और इसी वजह से तुमने उसे मार दिया है ना? सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने पूजा को नहीं मारा है। सर मैंने पूजा को नहीं मारा। सर सर मैं तो सारिका के कहने पर छुप कर बैठा हुआ था। अगर आपको हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाता तो सीधा शक हमारे ऊपर ही जाता सर। अच्छा, बहुत बात मानता है तू सारिका की। कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में सारा सच बाहर आ जाएगा। नहीं सर, मेरे आंखों के सामने खून हुआ था, वहां पे ये नहीं था और वहां पे कोई औरत भी नहीं थी। पकड़ो उसको। सर कहाँ भाग रहा है? बंद करो इसे। यही है वो। इसने लड़के को मारा था और मार के दफन कर दिया था। यही है वो। चल बोल। सब सुभाष भाई क्या काम करता था साहब? तो राजा की बहुत ऐश थी साहब, इसलिए मेरी जान जलती थी साहब। पूजा नाश्ता कर लो। साहब यही सोच के मैंने भी ऐसा ही किया साहब। जो वो इतनी ऐश काट रहा है तो मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं। यही सोच के मैंने छोटी मैम साहब के ऊपर हाथ डाला साहब, और साहब ने पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया मुझे। 11 तारीख को मैंने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और छोटी मैम साहब को कॉलेज जाते समय रास्ते से उठा लिया साहब। छोटी मैम साहब को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मुझे याद किया। हाँ सर, मैंने मरवाया पूजा को। वो राजा से प्यार करने लगी थी पर उसे मेरे और राजा के संबंध के बारे में कुछ नहीं पता था। जब उसे पता चला तो वो गुस्से में सब कुछ सुभाष को बताने गई। पापा,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है पापा। सुभाष ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, पर ये बात हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई थी। पूजा ने रात दिन एक ही रट लगा रखी थी राजा से कि वो मुझे छोड़ दे और उससे शादी कर ले, इसीलिए मजबूरी में आकर मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। राजा को सेव करने के लिए मैंने पहले उसे घर से बाहर निकाल दिया, फिर रघु को पैसे देकर पूजा को मरवा दिया। अच्छा होता अगर तुम्हारी असलियत सबके सामने नहीं आती, क्योंकि जैसा घिनौना काम तुमने किया है ना, किसी को भी ये जानकर विश्वास नहीं होगा कि ऐसी भी माँ हो सकती है। एक माँ जिसने एक बेटी को जन्म दिया, उसने ही उसका जीवन ले लिया। ऐसे अपराध ना सिर्फ रिश्तों को कलंकित करते हैं, बल्कि रिश्तों पर के विश्वास को भी कमजोर करते हैं। सारिका को पूजा के कत्ल की साजिश के लिए और रघु और उसके साथियों को पूजा के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। रिश्तों में भी दायरे जरूरी हैं। रिश्तों की मर्यादा बनी रहे तो ही रिश्ते चल पाते हैं, और जब रिश्ते अपनों को छलने निकल पड़ते हैं तब सारिका जैसे उदाहरण पैदा होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी घातक होते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।